हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इश्यू ऑफ शेयर्स में किस तरह से शेयर फॉरफिट किया जाता है, एट द टाइम ऑफ फॉरफिटर क्या एंट्रीज पास की जाएगी, उसमें किस तरह से वैल्यू को शो किया जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है, नेहरू लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स, मींस कंपनी ने शेयर इशू किए 10,000, फेस वैल्यू ऑफ शेयर ₹10 एंड शेयर इशूड एट पार गिवेन है, ₹2 पेबल ऑन अप्लीकेशन, ₹3 इज पेबल ऑन अलॉटमेंट, ₹2 इज पेबल ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹3 इज पेबल ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं किया है, मीन्स हमें फर्स्ट कॉल तक एंट्री पास करनी है, मीन्स यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू हो जाएगी पर शेयर 2 + 3 + 2, मीन्स ₹7। अशोक के होल्डर ऑफ हैंडर शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, मीन्स हैंडर शेयर्स पे आपको अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी रिसीव नहीं हुई है। तो जहाँ पे भी आपका पेमेंट नहीं हो रहा है, डिफॉल्टिंग पेमेंट हो रहा है, तो उस कंडीशन में पहले एक हम लोग कॉल्स इन अरियर टेबल बना लें, जिसमें इस तरह से टेबल बनेगी जिसमें शो करेगा आपका नंबर ऑफ शेयर ₹100 है, अप्लीकेशन रेट ₹2 है, अलॉटमेंट रेट ₹3 है, फर्स्ट कॉल ₹2 गिवेन है एंड सेकेंड कॉल ₹3 गिवेन है। बट सेकेंड कॉल नहीं की गई है, तो सेकेंड कॉल पे देखिए हमने कोई साइन नहीं किया है। इसमें शेयर होल्डर ने अप्लीकेशन का पेमेंट कर दिया था, 100 × 2 ₹200 आपकी अप्लीकेशन में आ गया, और ₹300 का पेमेंट नहीं हुआ था, जिसका पेमेंट हो गया उस पर टिक कर दिया, और जिसका पेमेंट नहीं हुआ उस पर क्रॉस कर दिया गया। 100 × 3 ₹300 का पेमेंट नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एंड 100 × 2 ₹200 का पेमेंट नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। इस टेबल बनाने के दो मेन बेनिफिट हैं कि जब आप अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो आपको ये क्लियर है कि ₹300 कॉल्स इन अरियर है, जब फर्स्ट कॉल आप रिसीव करेंगे तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि ₹200 कॉल्स इन अरियर है, और जब शेयर फॉरफिट करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो गया कि टोटल कॉल्ड अप वैल्यू जो थी 200 + 300 + 200 ₹700 थी, जिसमें से ₹200 रिसीव हो गया जो शेयर फॉरफिटर के नाम से ट्रांसफ़र किया जाता है, और 300 + 200 अमाउंट रिसीव नहीं हुई जो कॉल्स इन अरियर के नाम से रिकॉर्ड की जाती है। तो ये टेबल्स एट द टाइम ऑफ रिसीट भी आपकी बेनिफिशियल हो जाएगी, और जब शेयर को फॉरफिट किया जाता है तो टेबल्स के ही अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू इजीली पुट कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 10,000 शेयर्स थे, अप्लीकेशन रेट था ₹2, देन फर्स्ट एंट्री इज द बैंक ऑन डियर टू शेयर अप्लीकेशन 10,000 × 2 ₹20,000, एंड नेक्स्ट एंट्री इज द शेयर अप्लीकेशन अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल 10,000 × 2 ₹20,000। उसके बाद अप्लीकेशन रिसीव करने के बाद ट्रांसफ़र कर दिया गया शेयर कैपिटल अकाउंट में, और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से पहले हमें ट्रांसफ़र की एंट्री पास करनी होती है, उसके बाद हमें उसको रिसीव करना होता है। अलॉटमेंट का रेट ₹3 गिवेन था, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल ₹30,000, और ऊपर आप जाके देख सकते हैं कि कॉल्स इन अरियर था अलॉटमेंट का ₹300, तो 300 लेस करके आप रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डियर 29,700, एंड जो 300 वैल्यू रिसीव नहीं हुई है उसको शो करेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डियर 300 एंड टू शेयर अलॉटमेंट ₹30,000। तो ये क्लियर हो गया, इस तरह से हमें एंट्री पास करनी है। बैंक ऑन डियर 29,700, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डियर 300, टू शेयर अलॉटमेंट ₹30,000। आफ्टर दिस यू हैव टू पास एंट्री रिलेटेड टू फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2, देन शेयर फर्स्ट कॉल मनी इज द 20,000, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000, और इसको आपको रिसीव करना है। और जो हम लोग ने कॉल्स इन अरियर टेबल बनाई थी, वहाँ पे फर्स्ट कॉल में 200 पे क्रॉस बना हुआ था, मिस 200 अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुई थी, तो उसकी एंट्री पास हो गई। बैंक अकाउंट डियर 19,800, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डियर 200, टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000। आप इस तरह से भी एंट्री पास करते हैं कर सकते हैं कि कॉल्स इन अरियर को मेंशन ना किया जाए, बट बेस्ट ये है कि कॉल्स इन अरियर को आप मेंशन करिए, बैंक ऑन डियर 19,800, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डियर 200, टू शेयर फर्स्ट कॉल ₹20,000। अब इस क्वेश्चन में सेकेंड कॉल नहीं की गई थी, कंपनी सेकेंड कॉल नहीं की थी, तो सेकेंड कॉल की एंट्री हमें पास नहीं करना है, और इसके बाद हमें शेयर को फॉरफिट करना है। तो यहाँ पे जो कॉल भी थी
वो 7 रुपीज तक कॉल भी थी, 2+3+2। तो फर्स्ट एंट्री इज द सॉरी एंट्री विच इज रिलेटेड टू द फोरफीचर ऑफ शेयर। फोरफीचर ऑफ शेयर की एंट्री पास होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, 2 forfeited शेयर अकाउंट एंड 2 calls इन अरियर अकाउंट। फोरफीटेड शेयर अकाउंट में हमें वो वैल्यू शो करनी होती है जो कंपनी को रिसीव हो गई थी, और कॉल्स इन अरियर में हमें वो वैल्यू शो करनी होती है जो कंपनी को रिसीव नहीं हुई थी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर वैल्यू शो कर दी गई 700 रुपीज, एंड फोरफीटेड शेयर में जिस में आपने लोग हम लोग ने जो कॉल्स इन अरियर टेबल बनाई है और जिसमें टिक था वो वैल्यू जाएगी टू फोरफीटेड शेयर अकाउंट 200 रुपीज़, और 2 वैल्यू शेयर अलॉटमेंट की एंड शेयर फर्स्ट कॉल पे क्रॉस बना हुआ था। शेयर अलॉटमेंट की वैल्यू 300 थी, फर्स्ट कॉल की वैल्यू 200 थी, और इसको शो करेंगे 2 calls इन अरियर 500 रुपीज़। तो मीन्स आप पहले जिस क्वेश्चन में भी कॉल्स इन अरियर हो पहले टेबल बना लीजिए जिससे इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। फोरफिटेड शेयर में अमाउंट रिसीव की वैल्यू शो करते हैं, कॉल्स इन अरियर में जो अमाउंट रिसीव नहीं होती है उसकी वैल्यू शो की जाती है एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर। तो इस तरह से फोरफीचर ऑफ शेयर की एंट्री पास करेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आगे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर उसको क्वेश्चन नंबर मेंशन कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।